तो देखिए, पाकिस्तान में धमाके पर धमाके हो रहे हैं। रविवार को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुए ब्लास्ट में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। मतलब पाकिस्तान ने आतंक के जिन जहरीले सांपों को पाला पोसा, अब वो वही पाकिस्तान को डस रही है। लेकिन खतरा अब सिर्फ पाकिस्तान की धरती पर नहीं है, पाकिस्तान के आसमान में भी आतंक की दहशत मंडराने लगी है। लेकिन कैसे पाकिस्तान के आतंकी भस्मासुर कराची से लाहौर तक आसमान में हवाई हमले का सस्पेंस आपको दिखाते हैं। ये खतरा बहुत बड़ा है। ये खतरा पाकिस्तान के आसमान में मौत की तरह मंडरा रहा है। ये अनहोनी पाकिस्तान में किसी भी दिन किसी भी वक्त हो सकती है, क्योंकि जिन्नालैंड की जमीन पर पल रहे आतंकी अब आसमान में अपना टारगेट ढूंढ रहे हैं। पाकिस्तान के आसमान से गुजरने वाले विमान आतंकियों के निशाने पर है। ये सिर्फ खबर नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चेतावनी है, और इसलिए यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने एक एडवाइजरी जारी कर एयरलाइंस को एक बड़े खतरे से आगाह भी किया है। पाकिस्तान के आसमान में खतरे की घंटी। एयर ऑपरेटर्स के लिए बड़ी चेतावनी। आतंकियों के पास मैनपैड्स हथियार। जमीन पर साजिश, आसमान में शिकार। पाकिस्तान में प्लेन किलर का सस्पेंस। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।